हेलो एवरीवन, पीजी सेमेस्टर थर्ड सीसी 14 और टॉपिक है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। अमेरिकी संविधान का निर्माण 1787 में 13 राज्यों के द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया। धीरे धीरे 13 राज्यों के संघ के विस्तार के फलस्वरूप आज यह 50 राज्यों का संघ बन गया है। अमेरिकी संविधान की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो उसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि यह एक लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दो सदनीय विधानमंडल, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, संघात्मन शासन व्यवस्था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, दोहरी नागरिकता, मौलिक अधिकार, व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान इत्यादि कहा जा सकता है। लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान सरल एवं संक्षिप्त है। इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद एवं 13 धाराएं हैं। छपे हुए पृष्ठ 40 से भी कम हैं। संक्षिप्त होने के कारण ही इसमें आज सिर्फ 28 संशोधन ही हुए हैं। इस संविधान में सिर्फ केंद्रीय सरकार की रचना, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अमेरिकी संविधान के विपरीत संविधान विश्व में सर्वाधिक विस्तृत एवं जटिल हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। अमेरिकी संविधान की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित मानी गई है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत ही प्रजातंत्र की रक्षा का आधार स्तंभ है। संविधान की प्रस्तावना में कहा भी गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि करने तथा अपने एवं अपनी संतति की स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथककरण सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका की शक्तियां स्वतंत्र होते हुए भी कार्यपालिका को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कार्यपालिका का प्रधान ही संघ का राष्ट्रपति होता है। अमेरिकी कार्यपालिका को ये शक्ति मिली हुई है कि यह अधीनस्थों की नियुक्ति एवं योग्य व्यक्तियों में से स्वविवेक से कर सकती है। शासन की इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदमुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही पदमुक्त किया जा सकता है। इससे शासन में स्थिरता रहती है। दो सदनीय विधानमंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दो सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था प्रदान करता है। वहाँ के विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के दो सदन हैं, निम्न सदन तथा उच्च सदन। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन में 435 तथा सीनेट में 100 सदस्य का प्रावधान है। प्रतिनिधि सदन के सदस्य 2 वर्षों के लिए तथा सीनेट के सदस्य 6 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। शक्ति पृथककरण सिद्धांत को व्यवहारिक बनाने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली की व्यवस्था दी गई है। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे की शक्तियों का नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखती है। अमेरिका का संविधान शक्ति संतुलन का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। संविधान के अनुसार कांग्रेस पर राष्ट्रपति की भी नियंत्रण रखता है और न्यायालय भी। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान भी किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक स्वरूप अमेरिकी संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिकी संघ राज्य में शामिल होने वाली इकाइयां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, जो आपस में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती हैं।
इन इकाइयों ने संघ में सम्मिलित होकर केंद्रीय सरकार को सार्वभौम बनाया है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित कर दी गई हैं। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता का परिचय विगत में भी मिलता रहा है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का वाटरगेट कांड अमेरिकी न्यायालयों के पास कार्यपालिका के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की संवैधानिकता का परीक्षण करने की परंपरा रही है। यह स्मरण रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान स्पष्टतः किसी भी अनुच्छेद में न्यायपालिका के पुनर्निरीक्षण के अधिकार की व्यवस्था नहीं करता। इसके बावजूद इस अधिकार का अस्तित्व अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली का अपृथक अंग बन चुका है। न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार से तात्पर्य न्यायपालिका की शक्ति से है, जिसके अधीन वह कांग्रेस द्वारा किए गए कानूनों अथवा राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की परख अथवा समीक्षा कर सकती है। संविधान ने यह शक्ति न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की, फिर भी 1801 में चीफ जस्टिस मार्शल ने मारवाड़ी बनाम मेडिसन के अभियोग में यह निर्णय दिया था कि यदि कांग्रेस अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा विधानमंडलों द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक समझा जाएगा। दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान द्वारा संघ तथा राज्यों की अलग अलग नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति संघ के साथ साथ उस राज्य इकाई का भी नागरिक माना जाता है जहां उसका जन्म हुआ है। मौलिक अधिकार। इसका प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से संविधान में निहित नहीं किया गया है, फिर भी नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यह स्मरण रहे कि संविधान लागू होने के केवल 2 वर्ष पश्चात ही इसमें प्रथम 10 संशोधन किए गए थे। इनमें से 9 संशोधनों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। इनके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिमय रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, शस्त्र रखने का अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ज्यूरी द्वारा अभियोगों की सुनवाई का अधिकार इत्यादि अमेरिका के बिल अधिकार पत्र में अंकित किए गए हैं। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माता लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे। लॉक संपत्ति के अधिकार को जीवन तथा स्वतंत्रता के समान ही पवित्र तथा अनुल्लंघनीय मानते थे। इसी व्यक्तिवादी विचारधारा के कारण ही अमेरिकी संविधान में स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया और यह स्वीकार किया गया कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, और यदि सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति हस्तगत की जाए तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। 14वें संविधान के द्वारा संपत्ति संबंधी अधिकार को व्यापक बनाया गया और आर्थिक व्यक्तिवाद की नींव और भी सुदृढ़ की गई। उक्त विशेषताओं के कारण ही अमेरिकी संविधान विश्व के संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है। अमेरिकी संविधान का अध्ययन अमेरिकी क्रांति को समझने में भी सहायक है, क्योंकि इस संविधान के प्रावधान क्रांति के दौरान ही जनभावनाओं के रूप में परिलक्षित हुए थे। अमेरिकी संविधान के निर्माण को आधुनिक युग में प्रजातांत्रिक प्रणाली की सबसे बड़ी सफलता कहा जा सकता है। विश्व के अनेक देशों ने इस प्रकार से किए गए निर्माण कार्य से प्रेरणा ली, जिनमें एशिया और अफ्रीका के अनेक देश हैं और भारत भी इन देशों में प्रमुख स्थान रखता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अगर इंग्लैंड की संसद विश्व में संसद जननी कही जा सकती है, तो इसके साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का विधान सबसे प्रमुख स्रोत है। अमेरिकी विधान का सबसे अधिक महत्व इस बात में है कि इस विधान ने आधुनिक युग में एक गणतांत्रिक विधान का आदर्श रखा, जिसका कि अनुकरण किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका विधान निर्माताओं ने विधान निर्माण के समय अगर अपने अनुभव को सामने रखा, तो इसके साथ साथ उन्होंने इंग्लैंड और यूरोप से भी विचार लिए। फिर भी निर्मित अमेरिकी विधान निर्माताओं की अपनी कृति थी, जो अनुकरणीय कही जा सकती है। विश्व के सभी परवर्ती आधुनिक विधानों में अमेरिकी विधान के आदर्शों की झलक देखी जा सकती है।
अमेरिकी संविधान प्रजातांत्रिक विचारों की विजय के साथ साथ अमेरिकियों की राजनीतिक परिपक्वता का भी प्रमाण है। अमेरिकी संविधान का महत्व इस बात में भी है कि यह विधान राजनीतिक रूप से एक प्रौढ़ राष्ट्र जो एक नवराष्ट्र के रूप में जन्म ले रहा था की जननी था। अमेरिकी विधान की प्रमुख विशेषताओं में शक्ति पृथक्करण का विधान शामिल है। इसकी अन्य विशेषताओं में इसका संघीय स्वरूप तथा शक्तिशाली कार्यपालिका का अस्तित्व प्रमुख है। अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रक्रिया का समावेश इतनी कुशलता से किया गया है कि सरकार के तीनों अंग अपना कार्य करने के साथ साथ दूसरे अंगों पर नियंत्रण भी रख सकते हैं एवं दूसरे अंगों के नियंत्रण में भी रहते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता अमेरिकी विधान में रखी गई है, वह स्वयं में महत्वपूर्ण है। अमेरिकी संविधान के कारण ही विदेशों में अमेरिका की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस दलील में कोई विशेष दम नहीं है कि अमेरिका के संविधान के निर्माता कुलीन वर्ग से संबंधित थे और जनसाधारण के गुण और बुद्धि पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखते थे। संविधान निर्माण में शामिल विभिन्न विचारधाराओं के होने के बावजूद सहमति पर पहुंच सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी संविधान की कमियां कई ढूंढी जा सकती हैं तथा हाल में ही हुए राष्ट्रपति चुनाव में उभरा विवाद भी श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु अमेरिकी संविधान आज भी लोगों को न्याय दिलाने एवं प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बावजूद याद किया जाता है। धन्यवाद।